24 घंटे में अयोध्या विवाद हल कर देंगे सीएम योगी। सीएम योगी के बयान से अयोध्या में मचा हड़कंप। योगी की वानर सेना 24 घंटे में बनवा देगी मंदिर। तिल मिलाए अखिलेश ने योगी को किया चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर मसले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद मामले पर लोगों का धैर्य खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद पर जल्द आदेश देने में असमर्थ है, इसलिए अब अयोध्या विवाद को हमारे हवाले कर देना चाहिए। हम 24 घंटे के अंदर इसका समाधान कर देंगे। बस फिर क्या था, सीएम योगी के इस बयान को उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का समर्थन मिल गया। प्रश्न किया, योगी जी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े योगी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश के, कोर्ट अनुमति दे दे तो 24 घंटे में हमारी बानर सेना पत्थरों को खड़ा करके मंदिर बना देगी। पार्टी और पूरा संगठन और अनुसांगिक जितने संगठन हैं, सारे के सारे संगठन राम मंदिर के साथ, राम जी के साथ, अयोध्या के साथ खड़े हुए हैं। किसी में हिम्मत है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है राजनीतिक दलों में, जो राम मंदिर की बात करे, अयोध्या की बात करे। इसलिए प्रयागराज के कुंभ में साधु महात्मा इसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और 31 तारीख को वहाँ बहुत बड़ी धर्म संसद होने वाली है, जो हमारे राम जी की, जो हमारे मंदिर की बात करेगा, हम उसी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। धर्म संसद तो कुछ नहीं निकला, आप नहीं कह सकते। कम से कम मोदी ने मंदिर में बोलना तो प्रारंभ किया। न भाजपा डरी थी, न भाजपा डरी है। 2014 में जितने बड़े बहुमत से हमने सरकार केंद्र बनाई थी, मोदी जी उससे बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। भाजपा किसी से डरने वाली नहीं। छोटी सी मारुति कार में भी बिठने लायक सांसद नहीं मिलने वाले हैं। बसपा तो जीरो वैसे ही है। जनता पहनना शुरू कर दिया, माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया, संगम में स्नान करना शुरू कर दिया। अगर प्रयास कर रहे हैं तो अब क्या परिणाम निकलता है ये जनता है सब जानती है, क्योंकि ये कालनेमी की तरह दिखावा है। अंदर से ये नहीं है, अंतरात्मा की आवाज नहीं है, जनता को ठगने का प्रयास है। जनता है सब जानती है, 2019 के चुनाव में सटीक जवाब देने वाली। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से एक बार फिर अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने सीएम के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदुओं के अंदर जितनी पीड़ा जन्मभूमि के लिए है, उससे भी अधिक पीड़ा योगी जी को है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ा ही स्वागतपूर्ण है, प्रशंसनीय है। राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो योगी जी के पूर्व गुरुदेव भगवान महंत श्री स्वामी अवैद्यनाथ जी महाराज ही राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए और बराबर राम जन्मभूमि एवं राष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहे। और मैं जानता हूँ हिंदुओं के अंदर राम जन्मभूमि के लिए जितनी पीड़ा है, उससे भी अधिक पीड़ा योगी जी के अंदर है। तो हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। बहुत अच्छा। वहीं दूसरी तरफ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सीएम योगी के इस बयान को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर विवादित परिसर किसी को नहीं सौंपा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, ये सब 2019 के चुनाव को दृष्टि में रख करके कर रहे हैं। उनको क्या सौंप दिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगी कोर्ट अपना जो मुकदमा है, जो दोनों पक्षों के है, वो सरकार को सौंप देगी। इस प्रकार की बात बोलना बेतुकी बात है। और 24 घंटे में क्या बना देंगे, वह अपने जो वादा किए थे, हम किस आधार पर किए थे उस समय, तो जब घोषणा ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो नहीं कहे थे कि कोर्ट हमको दे देगा तब हम बनाएंगे। उस समय तो कहे थे हम सत्ता में आएंगे तब कहे, तो सत्ता का क्या महत्व है, कोर्ट क्यों उनको महत्व देगी और क्यों उनको समझ देगी। ये सब बातें जो हैं केवल प्रलोभन देने के लिए हैं। 2019 का इसमें कोई तत्व नहीं है और कोर्ट जो निर्णय करेगी वही होगा, उसके अलावा सरकार स्वयं
कह चुकी है कि कोर्ट के आदेशानुसार, तो जो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहे कि कोर्ट हमको दे दे, हम मंदिर बना देंगे, और योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि हमको दे दिया जैसे हम मंदिर बना देंगे। ये सब की सब बातें जितनी हैं सब झूठी हैं। 2019 को प्रलोभन दे रहे हैं राम भक्तों को कि जिससे कि वो लोग शांति रहें और फिर भाजपा के साथ दें और भाजपा सत्ता में आवे, बाकी कुछ नहीं। ऐसे में भला बाबरी मस्जिद के पक्षकार कहां पीछे रहते हैं? इकबाल अंसारी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला वही होना है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। इलेक्शन का दौर है, राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पे है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला कोर्ट को करना है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। हम लोग भी चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे, किसी को सौंपने की जरूरत नहीं है। कोर्ट फैसला करे, सबूतों के आधार पर फैसला करे, या जो सच्चाई हो पेपर के माध्यम से फैसला करे, कोर्ट करे, आज करे, अभी करे, चाहे वो हिंदू पक्षकार वो भी मानेगा, मुस्लिम पक्षकार वो भी मानेगा। ये ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, वो सबके लिए है। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट को जो है क्या करना है, माननीय जो है मुख्यमंत्री जी को जो है क्या करना है, ये कोर्ट जाने, माननीय मुख्यमंत्री जाने। हम लोग तो साफ कहते हैं कि कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे। ये इलेक्शन का पीरियड है, हर पार्टियां चाहती हैं कि राम जन्मभूमि का जो है मुद्दा हमारे पाले में आवे, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ही के माध्यम से जो कुछ भी होना वो कोर्ट कर जो है करेगा और कोर्ट की ही बात मानी जाएगी। अगर देखिए, सरकार है, कानून है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अच्छा हो, जो उचित हो, वही होना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। वैसे मामला यही थमने वाला नहीं था। सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने सीएम योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि सीएम योगी 24 घंटे के अंदर राम मसला सुलझाने का दावा करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता उन्हें 90 दिनों का समय दे रही है, वे सांड से फसल बचाने के लिए कुछ करें। सबसे पहले किसानों को बचाने की जरूरत है। तो देखा आपने चुनाव माहौल में किस तरह से अब राम मंदिर पर नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।